मैं गोंडवाना की रानी दुर्गावती बोल रही हूं, वही दुर्गावती जिसने जीते जी अकबर की गोंडवाना क्षेत्र तथा गोंडवाना की स्त्रियों पर कभी परछाई तक नहीं पड़ने दी। मैं वही रानी दुर्गावती हूं जिसने चंदेल वंश में जन्म लिया। ये वही चंदेल वंश है जिन्होंने खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी के आगमन को भारत में रोका था। मैं वही हूं जिसने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और मरते दम तक युद्ध करती रही। मैं वही हूं जिसने कभी अपने स्वाभिमान को आंच न आने दी और लगातार मुगल सेना को धूल चटाती रही। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि अकबर महान था या फिर एक शैतान, नरभक्षी, क्रूर, दुष्ट और चरित्रहीन शासक था। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहां हुआ था। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण मेरा नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण मेरी प्रसिद्धि सब और फैल गई थी। मैं बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। मैंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल की थी। 1542 में 18 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज्य करते थे, जो गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला थे। दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी बालक ही था कि पति दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस अराजक मुस्लिम युग में एक जवान सुंदर हिंदू रानी को कौन चैन से रहने देता। गोंड राज्य 3 ओर से मुस्लिम राज्यों से घिरा था। पश्चिम में था निमाड़ वालवा का शुजात खान सूरी, दक्षिण में खान देश का मुस्लिम राज्य और पूर्व में अफगान। तीनों ने असहाय जान राज्य पर हमले प्रारंभ कर दिए, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई। मैंने गोंडवाने के हिंदू युवकों की एक सेना तैयार कर स्वयं उसकी कमान संभाल कर तीनों मुस्लिम राज्यों का सामना किया। मैंने तीनों मुस्लिम राज्य को बार बार युद्ध में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राजा इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाना की ओर झांकना भी बंद कर दिया। इन तीनों राज्यों की विजय में मुझे अपार संपत्ति भी हाथ लगी। तीनों मुस्लिम राज्यों के खामोश हो जाने के बाद गोंडवाने में शांति छा गई। मैंने प्रजा के सुख के लिए कुएं, बावड़ियां, तालाब खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और मंदिर बनने लगे। अब राज्य की सुख शांति का दुश्मन अकबर बन बैठा था। गोंडवाना एक हरा भरा प्रदेश था। न अनावृष्टि होती थी, न ही अकाल पड़ता था। मेरे तेज और वीरता से गोंडवाने पर आक्रमण होने भी बंद हो गए थे, इसलिए संपूर्ण प्रदेश में शांति अपने चरम पर थी। व्यापार फलफूल रहा था। यह प्रथम अवसर था जब हरियाणा और राजस्थान का व्यापारी समुदाय गोंडवाना में बसने लगा था। इस काल में गोंडवाना एक समृद्ध राज्य था। सारे भारत का धन खींचकर गोंडवाना आ रहा था। इन दिनों युवराज वीर नारायण 18 वर्ष का हो गया था। मैंने राज्य की बागडोर सौंपनी चाही, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। अब मैंने वीर नारायण के विवाह का निश्चय किया। पुरागढ़ के राजा की 16 वर्षीय पुत्री अत्यंत सुंदर थी। मैंने उसे वीर नारायण के विवाह का प्रस्ताव भेजा। पुरागढ़ के राजा ने स्वीकृति के साथ एक निवेदन भेजा कि विवाह की रस्म पुरागढ़ा में करना खतरे से खाली नहीं है। अकबर के वासना भरे प्रस्ताव समस्त उत्तर भारत के रजवाड़ों को गए कि वो अपनी कन्याओं के डोले आगरा भेजें। यही प्रस्ताव पुरगढ़ा भी गया था। अतः विवाह की रस्म गोंडवाने की राजधानी गढ़ कंतक में पूरी की जाए तो विघ्न की आशंका रहेगी। इसी योजना अनुसार राजकन्या गढ़ कंतक पहुंचा दी गई, लेकिन अकबर के गुप्तचर फकीरों के वेश में सारे भारत में फैले हुए थे। उसे सूचना मिल गई कि पुरगढ़ा की राजकन्या गोंडवाना पहुंच गई है। सुंदर स्त्रियों और धन का लालची अकबर बुंदेलखंड में डेरा डाल खड़ा हुआ और कड़ा के सूबेदार अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाने पर आक्रमण का हुक्म दे दिया। आसम खां जिरबख्तर से अपने 50,000 मुगल घुड़सवारों के साथ गोंडवाना पर टूट पड़ा। रास्ते के नगर ग्रामों को उजाड़ता आसफ खां मंडला के नजदीक आ पहुंचा। इधर विवाह की तिथि निकलने के कारण
पुरगढ़ा की राजकन्या कुंवारी बैठी थी और अब युद्ध सामने था। अतः विवाह की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। मुगलों के अत्याचार की कहानियां बढ़ चढ़कर गोंडवाने में फैल रही थी। दुर्गावती की सेना के कायर सैनिक सेना छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसी गलत अफवाहों के फैलाने में अकबर के फकीर भीषी गुप्तचरों का प्रमुख हाथ था। फिर शुरू हुआ गढ़मंडला का भीषण युद्ध। सन 1564 का वर्ष था। भारत के सारे हिंदू राजे रजवाड़ों ने इस्लाम के सम्मुख सिर झुका दिया था, सिवाय महाराणा प्रताप के। बचे थे मात्र उत्तर भारत के चित्तौड़ और गोंडवाने के राज्य व दक्षिण भारत के विजयनगर का साम्राज्य। इस वर्ष अकबर द्वारा गोंडवाने की स्वतंत्रता भी नष्ट होने वाली थी। लूटमार आगजनी करती बड़ी चली आ रही मुगल फौज का सामना मैंने गढ़मंडला के मैदान में किया। अपने 20,000 घुड़सवारों और 1,000 हाथियों के साथ में मुगल फौज के सामने आ डटी। मेरे घुड़सवारों के पास न जिरह बख्तर थे, इधर मुगल सैनिक सिर से कमर और हाथों तक लोहे के कवच में सुरक्षित थे। फिर 20,000 हिंदू घुड़सवारों के सामने 50,000 की अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित विशाल मुगल सेना थी। आसफ खान ने अपने दाएं बाएं के 10,000 समारों को घूमकर गोंडवाना फौज के दोनों ओर से तीर बरसाने का हुक्म दिया। सामने से 10,000 घुड़सवार हिंदू फौज को दबाने में लगे। 3 और के हमले से हिंदू सैनिक परेशान होते, तब मैं अपने 1,000 हाथियों के साथ मुगलों के मध्य में सेना पर टूट पड़ी। एक विशाल हाथी पर मैं भी सवार थी, चारों ओर मेरे अंगरक्षक घुड़सवार थे। पास ही एक अन्य हाथी पर 18 वर्षीय वीर नारायण मेरी सहायता कर रहा था। दोपहर बाद प्रारंभ हुए युद्ध में 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों ओर के सैनिक थक कर चूर हो गए। तब संध्या 4 बजे आसफ खान ने अपने ताजा दम 20,000 घुड़सवारों को हमले का हुक्म दिया। थके हिंदू सैनिक इन तरोताजा घुड़सवारों का सामना नहीं कर पाए। सैनिक मरते गए और कतारें टूटती गई। बढ़ते मुगल सैनिकों ने मुझे और पुत्र वीर नारायण को घेर लिया। हिंदू अंगरक्षकों की पंक्तियां भी टूटने लगी। अब मां बेटे पूरी तरह घिर चुके थे, किंतु क्रोध से वंती शेरनी मैं दुर्गा मुगलों के लिए काल बनकर निकली। मेरे धनुष से चलते तीर मुगलों के कवच चीर उन्हें मौत की नींद सुलाने लगे। उधर मुगलों के बाण की वर्षा से वीर नारायण के शरीर पर अनेक घाव हो गए, लेकिन वीर नारायण ने रण क्षेत्र नहीं छोड़ा। वह घाव होने के बाद भी मुगलों पर तीर बरसाता रहा। तभी मैंने अपने महावत को वीर नारायण के हाथी के पास अपना हाथी ले चलने का आदेश दिया। रण क्षेत्र में अटे पड़े मुगल घुड़सवारों के बीच से लड़ती भिड़ती मैं बेटे के पास पहुंची और वीर नारायण को पीछे हटकर चोरागढ़ चले जाने को कहा। वीर बालक हटने को तैयार नहीं था। बड़ी समझाइश के बाद अंगरक्षक उसे रण क्षेत्र से निकाल ले जाने में सफल हुए। इधर मैं चट्टान बनी मुगलों का मार्ग रोके रही। अंधेरा घिरने लगा था और दोनों ओर के सैनिक पीछे हटकर अपने शिविरों में लौटने लगे थे। मृतकों की देह रण क्षेत्र में पड़ी रही और घायलों को उठा उठाकर शिविर में ले जाया जा रहा था। मैंने रात्रि में ही बचे कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया। कुछ तो मारे गए थे, लगभग 10,000 घुड़सवार वीर नारायण के साथ चोरागढ़ चले गए। कुल 5,000 घुड़सवार और 500 हाथी दूसरे दिन के युद्ध के लिए शेष बचे थे। पराजय निश्चित दिखाई देने लगी थी। ये देख मैंने अपने पुत्र वीर नारायण के पास एक संदेश भेजा। बेटा, अब तुम्हारा मुख देखना मेरे भाग्य में नहीं है। अपना इलाज करवाना, भावी युद्ध के लिए तैयार रहना। मैं हटूंगी नहीं, तेरे पिता के पास स्वर्ग जाना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद गोंडवाने की रक्षा करना। भगवान यदि सफलता दे तो अच्छा है, लेकिन यदि पराजय हुई तो हिंदू महिलाओं को मुसलमानों के हाथ नहीं पड़ने देना, उन्हें अग्नि देवता को सौंप देना। समय नहीं है, अतः युद्ध के पूर्व जौहर की व्यवस्था कर लेना। अपने पुत्र को समाचार भेज में अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शिविर से निकले। सामने खड़ा था विशाल मुगल रिसाला। कल के युद्ध में अतिरिक्त सेना के कारण मुगलों की क्षति कम हुई। दुश्मन के निकट पहुंच मैंने हाथी के होदे में खड़े हो अपने सैनिकों पर एक नजर फेरी और अपना धनुष उठाकर गरज पड़ी, हर हर महादेव। सैनिकों ने विजय घोष किया, हर हर महादेव, और हिंदू सैनिक मृत्यु का आलिंगन करने मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। 500 हाथियों पर बैठे 1,000 सैनिक और 7 के 5,000 घुड़सवारों को मुगल रिसाले ने चारों ओर से घेर लिया। एक एक कर हिंदू घुड़सवार गिरते चले गए, सेना सिकुड़ती चली गई। अब मरने की बारी थी गज सवारों की। मुगलों की निगाह मुझ पर लगी हुई थी।
आसफ खान ने आदेश दिया कि आसपास के हाथी सवारों को समाप्त कर दुर्गावती को जीवित पकड़ लो, इसे शहंशाह को सौंप, इनाम पाएंगे। धीरे धीरे सारे हाथी समाप्त हो गए। जिधर दृष्टि डालो उधर ही मुगल घुड़सवार छाए थे। मुगलों का घेरा कसने लगा लेकिन मेरे तीरों का बरसना बंद नहीं हुआ। तभी तीरों की एक बोछार मेरे हाथी पर लगी, महावत मारा गया। एक तीर मेरे गले और एक हाथ को भेद गया। असहाय पीड़ा से धनुष हाथ से छूट गया। हाथी को घेर कर खड़े मुगल सैनिक हाथी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। कुछ गंदी फब्तियां भी कस रहे थे। प्रतिष्ठा और अपमान में गज भर का फासला था। मैंने परिस्थिति को भांपा और शीघ्रता से कमर में कसी कटार खींच और जय भवानी। गरज समाप्त होते ही छप्पस से कटार अपने हृदय में मार ली। पंछी उड़ चुका था, मेरी निष्प्राण देह होदे में पड़ी थी। इसके बाद हुआ चोरागढ़ का जोहर, जिसमें 5,000 स्त्रियां अग्नि कुंड में समा गई। मांडला के दूसरे दिन के युद्ध के समाचार युद्ध से लौटे सैनिकों द्वारा वीर नारायण को मिले। अब सैनिक कभी भी चोरागढ़ आ सकते थे, अतः चोरागढ़ में जोहर की तैयारियां प्रारंभ हुई। रुई, लाख, राल, घास, लकड़ी एकत्र कर किले में लाए जाने लगे। शीघ्रता में सूखे हरे जैसे भी निकट मिले वृक्ष काटकर किले में लाए गए। किले के दीवार के निकट एक बड़े चौक में लकड़ियां बिछा दी गई, उन पर घास, राल, लाख, रुई जगह जगह लगा दी गई। अब किले के दरवाजे बंद कर वीर नारायण मुगलों की राह देखने लगा। लेकिन आसफ खान 2 माह तक चोरागढ़ नहीं आया। वह जानता था गोंडवाना के बचे सैनिक किले में शरण लिए हुए हैं। गोंडवाना पूर्ण आरक्षित है, अतः वो 2 माह तक चोरागढ़ के चारों ओर के नगर ग्रामों को लूटता उजाड़ता रहा। आसफ खान की इस कार्रवाई से किले में रसद पहुंचना बंद हो गई और बीते इन 2 माह में किले की रसद धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक 2 माह बाद आसफ खान ने चोरागढ़ घेर लिया। गढ़ के भीतर थे 10,000 घुड़सवार और आसपास के ग्रामों से आई संभ्रांत घरों की कुलवधुएं, बेटियां, राज परिवार की महिलाएं, सरदारों के परिवार की महिलाएं, सैनिकों के परिवार की महिलाएं, कुल 5,000 स्त्रियां किले में उपस्थित थी। वीर नारायण ने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और दूसरे दिन जोहर करने का निश्चय किया। जिनकी मां बहनें, बेटियां और प्रियतमाएं उनकी आंखों के सामने जल रही हों, वो हिंदू सैनिक बूके भाग की तरह ग्रसते हुए मुगलों पर टूट पड़े। मुगल सैनिकों में खलबली मच गई। हिंदू तो मरने के लिए सिर पर कफन बांधकर केसरिया शाका करने निकले थे, साक्षात महाकाल बने तलवार चला रहे थे, किंतु मुट्ठी भर हिंदुत्व के सिपाही कब तक लड़ते। रात होते होते सभी समाप्त हो गए, लेकिन एक धाक छोड़ गए मुगलों के दिलों पर। न तो रात में न दूसरे दिन मुगलों का साहस हुआ कि किले के निकट आ पाए। 2 दिन तक आसम खान मरे हुए मुगल सैनिकों की कब्रें खुदवाता उन्हें दफनाता रहा। 4th दिन मुगल सैनिक किले के निकट आए, द्वार पर आवाज लगाई। किले में बचे थे मात्र 3 व्यक्ति, ब्राह्मण, भोज कायस्थ और भिखारी रूमी। भिखारी ने द्वार खोला, मुगल सैनिक लूट के उद्देश्य से किले में फैल गए। मुगलों को लूट में मिले अलाउद्दीन खिलजी के समय के सोने के शर्फियों से भरे 100 घड़े, ढला अनढला सोना, अलंकृत पात्र, जवाहरात, मोती, सोने चांदी की देवताओं और पशु पक्षियों की मूर्तियां, रत्न जड़ित मूर्तियां, दुर्लभ चित्र, इनके साथ मुगलों को मिला 2 अभागी राजकन्याएं, एक 18 वर्षीय कमलावती जो मेरी बहन थी और दूसरा पुरागढ़ा की 16 वर्षीय राजकुमारी। ये दोनों चिता के किनारे रखे एक बड़े गीले वृक्ष की बड़ी डाल की ओट में जीवित बच गई थी। धुएं के कारण भोज कायस्थ इन्हें देख नहीं पाया था। इन अभागी राजकन्याओं के साथ लूट में मिला सारा सामान और 200 हाथी आसफ खान ने अकबर के पास आगरा भिजवा दिए। धन के लोभी अकबर ने इस दुर्लभ सामग्री को गलवा दिया। दोनों राजकन्याओं से जबरन अकबर के द्वार की देहरी चूमने को कहा गया और ये दोनों अभागी अकबर की हरम में रखेल बना ली गई। जहां एक शांत राज्य, जहां के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, ऐसे शांत राज्य को केवल अपने धन की पिपासा और स्त्रियों के लोभ में अकबर ने अकारण नष्ट कर डाला। गोंडवाना में लाखों हिंदू मारे गए, लाखों भारतीय मारे गए। ऐसे में कुछ अकबर के गुलाम इतिहासकार लिखते कि यह महान था। इस बर्बर हत्याकांड को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं अकबर कितना नरभक्षी क्रूर शासक था। और अकबर के काल में यह इकलौता जौहर नहीं है, चित्तौड़गढ़ का जौहर भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन वही इतिहासकार सुमित कहते हैं कि भविष्य में भारतीय राज्य को हड़पने वाले डलहौजी को भी अकबर ने मात कर दी।
नागरिकों की सुख शांति को अकारण हाहाकार में बदल देने वाला व्यक्ति नरपिशाच ही तो हो सकता है, महान कदापि नहीं हो सकता। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के विचार का विषय है, क्या दुर्लभ भारतीय कला संपदा को नष्ट करने वाला भारत में महान कहलाने लायक है? क्या निरीह असहाय अबलाओं को बुरी तरह अपमानित करने वाला, उन्हें रखेल के निम्न स्तर पर भोगने वाला महान कहलाने योग्य है? प्रत्येक वीडियो को देखने वाला भारतीय कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें और इस वीडियो को आग की तरह पूरे भारत में फैलाए जिसने अभी अकबर की वास्तविक सच्चाई को नहीं जाना है, ताकि वो भी जान सके इतिहास की सच्चाई को जानने। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐतिहासिक किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।